एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हो आप सब? होप आप सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो ये देखिए, ये ना कुछ सामान आया हुआ था कैंटीन से, मतलब बस लेकर के आए थे। और देखिए, ज़्यादा सामान नहीं है क्योंकि यहाँ पे कैंटीन है ना बहुत ज़्यादा छोटी है। तो होता क्या है कि जो भी ज़रूरत के सामान होते हैं ना, वो सारे इधर उधर मतलब बहुत जल्दी ले लेते हैं यहाँ पे लोग। तो लास्ट का जो भी बचता है, जिसमें हमें लगता है कि हाँ जो यूज़फुल है, जो हमें काम की चीज़ है, बस उतना ही लेते हैं। लेकिन ये दो बार सामान आ चुका है, ये दोबारा आया है। इसके पहले साबुन तेल और ये सब जो चीज़ें होती है ना, वो सब भी आ चुका था। तो ये बाद में फिर से एक बार इन्होंने चक्कर लगाया कि देख के आता हूँ कैंटीन में, अगर कुछ हो तो लेके आता हूँ। तो फिर ये मैगी दिख गए, तो मैगी देखो घर में बच्चे होते हैं। वैसे मेरे पास यिप्पी भी रखी हुई है, पहली ये लेकर के आए हुए थे, यिप्पी भी है और मैगी भी दिख गई, तो मैगी भी ले आए। क्योंकि मैगी क्या होता है, कभी कभी हम भी खा लेते हैं, मतलब हम बड़े भी खा लेते हैं, तो मैगी ले आए। बिस्किट रखे थे ओट्स वाले, तो वो ले आए, और रिफाइंड ऑयल ले आए। वैसे तो मैं मस्टर्ड ऑयल यूज़ करती हूँ, लेकिन कभी कभी जैसे पूरी है, पराठा है, या फिर जैसे ये कोई चीज़ें होती हैं, जैसे अभी मैं आपके सामने दिखा रही हूँ, ये मैं मीठे गुलगुले बना रही हूँ, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, ये तो देखो रिफाइंड ऑयल में ही बनती हैं। तो यहाँ पर ये नाश्ते का टाइम था और मैंने आज ना नाश्ते में यही बनाया था, ये मीठे गुलगुले हैं। मैंने आपके साथ में इसकी रेसिपी पूरी अच्छी तरीके से शेयर करी हुई है, तो आज मैंने शेयर नहीं करी है। ये ना अगर मौसम अच्छा हो तो आप बना के खाओ, बहुत अच्छा लगता है। सर्दी अभी ठंडी आ रही है ना, उस टाइम पे भी ये गरम गरम बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं अक्सर बना लिया करती हूँ इसे, क्योंकि मेरे घर में सभी पसंद करते हैं। तो इस वजह से मैंने आज ना थोड़ा सा बना लिया, ऐसे बस मूड हुआ तो मैंने बना लिया था। उसके बाद देखिए, सुबह का ही टाइम था और यहाँ पे ये दूध आया था। ये पैकेट वाले दो पैकेट मैं लेती हूँ, इसलिए लेती हूँ क्योंकि चाय वगैरह हो गया या दही जमाना है तो इस दूध से ना बहुत अच्छे तरीके से जम जाता है, और चाय वगैरह के लिए भी अच्छा होता है। बाकी जैसे पीहू के लिए पहले मैं गाय का लेती थी अलग से, लेकिन अभी क्या है, मुझे कुछ समझ में आ नहीं रहा है। और पीहू ना अभी बहुत कम दूध दूध पी रही है, ये क्या करती है, खाने में ज़्यादा रहती है। तो फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इसके लिए लूँ अच्छे से दूध वगैरह, खरीदूँ, मतलब इसको पिलाऊँ, खरीदूँ क्या। लेकिन यहाँ पर ना गाय का दूध बिल्कुल भी अच्छा नहीं मिलता है गाइस, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। लोग पानी, गाय का दूध एकदम पतला होता है, वैसे भी लोग पानी मिला मिला करके दे जाते हैं, तो फिर मतलब क्या है लेने से, मुझे समझ में नहीं आता। इस वजह से मैं क्या करती हूँ ना, जैसे अगर ये थोड़ा बहुत पीती भी है तो मैं इसको यही वाला देती हूँ, जो पैकेट वाला दूध है मैं यही वाला दे देती हूँ। और ये दो पैकेट है ना, दो पैकेट क्योंकि अभी दही मैं नहीं जमा रही हूँ, तो ये दो पैकेट हमारे लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है और आराम से। पहले मैं 2 लीटर लेती थी, लेकिन अब मैंने 1 लीटर लेना स्टार्ट कर दिया। ये मेरे गोपाल जी की ड्रेस है जो कि आज मैंने चेंज करी है, और इसके ना ऊपर का निकल गया है, जो चोली होती है ना वो निकल गई है, अच्छी नहीं लग रही थी, खुल गई थी सिलाई, तो मैंने हटा दी है। और ये मेरे गोपाल जी की नैपी है, तो बस मैं इसको भी ठीक करूँगी, धो करके मैंने सुखा दी है। और ये देखिए, सारे काम मतलब नाश्ते वगैरह के सारे काम ख़त्म हो गए थे, पीहू नहा चुकी है। उसके बाद ये देखिए, ये इसका जो घर है, मैंने आपके साथ में शेयर किया था, तो बस ये इसी के अंदर अपना घर इसने पूरा सजा के रखा है। लेकिन ये स्पेस बहुत ज़्यादा लेता है, आप देख सकते हो, बिल्कुल भी ये अंदर वाला रूम है, इसमें बिल्कुल भी स्पेस नहीं बचता है अगर इसको खोल के रख दो तो। और ये यहाँ पे हो गया है, पूरा बाढ़ वाले हालात हो गए हैं, देख सकते हो आप, पूरा मतलब जैसे बाढ़ पानी ने ना पूरा सब कुछ डुबो दिया है। आप देख सकते हो गार्डन में कुछ भी नहीं दिख रहा होगा, और ये इतना ही था, इससे ज़्यादा भी हो गया था, बिल्कुल तबाही मचा के रखी हुई है पानी ने तो यहाँ पे। और आपके वहाँ पे कैसा है मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने सुना है कि हर जगह बारिश नहीं हो रही, लेकिन यहाँ तो बारिश ने तबाही मचा दी, बिल्कुल सब कुछ डुबो दिया है। उसके बाद गाइस, ये शाम का टाइम हो रहा था और आज मैं कई दिनों के बाद बस ये थोड़ा बहुत सा कर रही हूँ, अपना मतलब बाल भी बांधे। उसके बाद मैंने यहाँ पर जो पॉन्ड्स का मॉइस्चराइज़र आता है ना, लाइट जेल, वही मैं यूज़ करती हूँ, वो लगाया है। फिर मैंने थोड़ा सा काजल लगा लिया, और उसके बाद मैंने लगा लिया ब्लू हेवन का, मेरे पास लिप ग्लॉस रखा था, बस वो लगा लिया। और यह थोड़ी सी एक छोटी सी बिंदी लगाई है, सिंदूर से ही लगा ली है, बहुत दिनों के बाद ये सब किया है, क्योंकि अभी तक मूड थोड़ा सा ख़राब था, लेकिन अब अपना मूड ठीक करना पड़ेगा, है ना, आगे बढ़ना पड़ेगा, मूव ऑन तो करना ही पड़ता है हर चीज़ में। तो बस यही था, बस यही कर रही थी मैं आप सबके साथ में शेयर। हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? होप आप सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। सॉरी, गुड मॉर्निंग नहीं, गुड इवनिंग का टाइम हो रहा है, शाम के बज रहे हैं 6, और आज बहुत दिनों के बाद मैंने अपना थोड़ा सा हुलिया सुधारा है, नहीं तो ना सुबह बस नहा लेना था, और नहाने के बाद ये जो बाल थे ना, ये कभी मैंने कंघी नहीं करे, मतलब हफ्ते भर से ज़्यादा हो रहे हैं मैंने कंघी नहीं करी थी, और बस ले करके ऐसे यहाँ पर बांध लेती थी,
और बस पूजा करा, सिंदूर लगा लिया, हो गया। और आज मैंने थोड़ा सा कुछ किया है, और समस्याएं तो आती रहती हैं हमारे ऊपर, लेकिन हमें मूव ऑन भी करना होता है। और हर चीज़ को लेकर के अगर बैठी रहूँगी, अगर उसी चीज़ को लेकर के बैठी रहूँगी तो फिर चल गया है ना, वो तो सॉल्व होगी आगे, जब उसका टाइम आएगा तो वो सॉल्व होगी, और गोपाल जी की कृपा रही तो बहुत जल्दी सॉल्व भी हो जाएगी। तो मैंने कहा चलो आज एक अच्छे मूड में बढ़िया सा एक ब्लॉग बनाते हैं। तो बस अभी मैंने थोड़ा सा किया है, बस खाली बाल बांधे हैं, पोनीटेल करी है, और उसके बाद मैंने फेस पे मैंने कुछ भी नहीं लगाया है। फेस पे सिर्फ मैंने पॉन्ड्स का जो मॉइस्चराइज़र है ना, लाइट मॉइस्चराइज़र जेल जो आ रहा है इस टाइम पे, बहुत अच्छा है। मैंने ऑलमोस्ट पूरी एक डब्बी ख़त्म कर दी है बड़ी वाली, और दूसरी ऑर्डर भी करूँगी जब ये ख़त्म हो जाएगी ठंडी में, क्योंकि मेरी ऑयली स्किन तो वो वाला बेस्ट है मेरे लिए। और आपकी भी अगर ऑयली टू कॉम्बिनेशन है ना, तो आप ट्राई करना ज़रूर, बहुत रिफ्रेशिंग लगता है। देख सकते हो मैंने कुछ भी नहीं अप्लाई किया हुआ इस टाइम पे, आपके सामने किया है जो भी कुछ किया है। और उसके बाद सिर्फ काजल है, और वही जो सिंदूर होता है उसी से मैंने बिंदी लगा ली है, थोड़ा सा ब्लू हेवन का लिप ग्लॉस रखा हुआ था वो लगा लिया है, चेरी वाला होता है ना वो वाला, बस वही इतना ही करा है। और थोड़ा सा जब हम रेडी हो जाते हैं तो हमें खुद को बहुत अच्छा फील होने लगता है, और सामने वाला जो देखता है उसको भी अच्छा लगता है। नहीं तो अगर हम ऐसे पागलों जैसे ना भेष बना के घूमते हैं तो सामने वाले को भी अजीब सा फील होता रहता है। तो बस मैंने अभी थोड़ा सा खुद को चेंज किया है, शाम का टाइम हो रहा है, 6:30 बज जाएंगे, फिर पूजा वगैरह करेंगे। और कल से मैं सोचूंगी, कल से मैं ना अच्छे अच्छे वीडियोज़ लाने के लिए सोच रही हूँ, और अपनी जो स्टिचिंग के वीडियोज़ है ना वो भी अपलोड करने के लिए सोच रही हूँ। मतलब पहले सोचा था सेकंड चैनल बनाऊँगी स्टिचिंग का, अब भी ये मन कर रहा है कि क्या इसी पे अपलोड कर दूँ। आप लोग बताना मुझे मैं क्या करूँ, है ना, प्लीज़ अपना सजेशन देना कि मैं दूसरा चैनल बनाऊँ उस पे मैं स्टिचिंग के वीडियोज़ डालूँ, या फिर मैं इसमें करूँ। अभी मुझे बहुत सारे मास्क है ना वो स्टिच करने हैं, क्योंकि मास्क वैसे तो है, लेकिन जो हमें CISF से मास्क मिले थे ना वो ऐसे मिले थे जैसे बुद्धा नहीं होते थे, जैसे मुंह पे ऐसे बांध लेते थे, उस टाइप के बने हुए मिले थे, लेकिन वो थोड़ा सा ना अच्छे नहीं लगते, एकदम ऐसे ना एकदम बेकार सा लगता है वो देखने में। तो फिर मैं जो दूसरे वाले होते हैं थोड़े से पफ वाले जो होते हैं, वो वाले मास्क मैंने कट करके रखे हुए हैं, वो मैं स्टिच करूँगी। तो पीहू के लिए मैं कम से कम 3 से 4 मास्क बना रही हूँ अपने लिए, तो मेरे लिए तो 2 भी बहुत है, क्योंकि मैं गुम नहीं करती हूँ। बाकी पीहू और मेरे हस्बैंड जो हैं वो गुम भी करते हैं, जहाँ रखते हैं वहीं भूल जाते हैं, तो इनके लिए 3-3, 4-4 मास्क तो चाहिए। तो मैंने सब कटिंग कर ली है, जितने भी मेरे पास टुकड़े वगैरह बचे थे ना छोटे से, जैसे मैं ड्रेसेस बनाती रहती हूँ उससे बच जाते हैं, कॉटन के हो गए, तो वो सारे मैंने कट करके रखे हैं। कुछ पीहू के लिए जिनमें कपड़ा कम था उससे मैंने पीहू के कर लिए, जिसमें थोड़ा सा कपड़ा ठीक ठाक था वो अपने हस्बैंड के लिए कर लिए। तो ऐसे 4-4 करके, मतलब 4 इनके 4 उनके, और 2 मैं अपने लिए कर रही हूँ, मेरे पास 1 तो है ऑलरेडी, तो 1 मैं और कर लूँगी, बस मेरे लिए उतना सफिशिएंट है, क्योंकि मैं सामान इधर उधर कभी फेंकती हुई हमेशा, मतलब संभाल के रखती हूँ, इन लोग के भी संभाल के रखती हूँ, लेकिन ये क्या करते हैं इधर उधर डाल देते हैं, इस वजह से गुम हो जाती हैं चीज़ें। तो चलो फिर इस वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी, और नेक्स्ट वीडियो अभी से स्टार्ट करूँगी। तो होप आप सबको ये मेरा आज का वीडियो जैसा भी लगे आप बता देना, अच्छा लगा जैसा लगा। अगले दिन से यानी कि आज शाम से जो अभी से ब्लॉग स्टार्ट करूँगी उसमें पूरी कोशिश करूँगी कि बहुत अच्छे से ब्लॉग लेकर के आऊँ आप सबके लिए। और हाँ, पीहू का रूटीन बोला है मुझसे शेयर करने के लिए, तो पीहू का मैं पूरा रूटीन शेयर करूँगी, 2 वीडियो में शेयर करूँगी। एक वीडियो तो वो आएगी जिसमें पीहू का स्कूल होता है, मतलब ऑनलाइन क्लास होती है, तो वो इसका रूटीन अलग हो जाता है, और जिस दिन इसकी ऑनलाइन क्लास नहीं होती है वो रूटीन इसका अलग हो जाता है, तो थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, तो वो मैं कर दूंगी। क्योंकि मेरी एक बहुत अच्छी सब्सक्राइबर है जो कि मेरे सारे वीडियोस देखती है, उन्होंने बोला है, उनकी भी शायद बेटी है, तो उन्होंने बोला है कि पीहू का पूरा रूटीन शेयर करना, तो मैं ज़रूर शेयर करूंगी। और जितनी भी आपकी रिक्वेस्टेड वीडियो है वो भी अब करूंगी। आपको पता है कि अभी मेरा थोड़ा सा माइंड सेट नहीं था और थोड़ा सा डिस्टर्ब था, इस वजह से मैं कुछ भी नहीं कर रही थी। 3-3 दिन में तो मेरे ब्लॉग्स आ रहे थे, अभी मैं कोशिश करूँगी, क्योंकि आप लोग धीरे धीरे मुझसे जुड़ते चले जा रहे हो, तो अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि मुझे कंटिन्यू वीडियो बनाने चाहिए,
और आप सबके सामने अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आना चाहिए, रेसिपीज भी शेयर करनी चाहिए। मैंने अपने घर की पूरी क्लीनिंग भी कर डाली, पूरी क्लीनिंग करी मैंने, किचन से लेकर के पूरा ईच एंड एवरीथिंग मैंने यहाँ पे साफ करी है। मैंने वो वीडियो नहीं बनाया क्योंकि दिमाग नहीं उतना काम करता, बस ये लगता था कि चलो ये काम ख़त्म करना है, नहीं तो मैं हमेशा वीडियो बना के शेयर करती थी आप सबके साथ में। बट आज मैंने, मतलब 2 दिन हो गए हैं उसको, वो मैंने नहीं किया, तो कोई बात नहीं, अब आगे से मैं अच्छे अच्छे वीडियोज़ लाऊंगी। और आप सबके प्यार के लिए थैंक यू सो मच, इस वीडियो को भी उतना ही प्यार दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो बहुत अच्छे अच्छे आएंगे, होप आप सबको पसंद आएंगे। बाहर कुछ बच्चे खेल रहे हैं, शोर आए तो इग्नोर कर देना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, अपना अपनों का ध्यान रखिए। थर्ड वेव का खतरा बढ़ता जा रहा है तो बच्चों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखिएगा, वैक्सीनेशन नहीं करवाया है तो करवा लीजिए जल्दी से जल्दी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।